गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर 2 वर्ण विचार। तो हम बच्चों आज लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे और इसका चैप्टर है सेकंड चैप्टर वर्ण विचार, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे वर्ण और विचार। जब हम मुख से बोलते हैं तो अनेकों ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हमारे मुख से अनेकों ध्वनियाँ आवाज़ें निकलती हैं। जब मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखित रूप दिया जाता है तो वह वर्ण कहलाते हैं। जो मुख से हमारे ध्वनि निकलती है, बोलचाल हम जो भी करते हैं, उसका जो भी उस भाषा को लिखित रूप अगर दिया जाता है तो उसको हम वर्ण बोलते हैं। क्या कहलाता है वो वर्ण? वह मूल ध्वनि जिसको और खंडों में विभक्त ना किया जा सके, वह मूल ध्वनि जिसको और खंडों में और टुकड़ों में विभक्त ना किया जा सके वर्ण अथवा अक्षर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्ण और अथवा अक्षर कहते हैं। जैसे कि देखिए, आप तीन फोटो दी हैं, उसमें पहला दिया है सीता गाती है, कान्हा पड़ता है और मीनल सो रही है। सीता गाना गा रही है, उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है तो उसको हम वर्ण। कान्हा पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो जो भी पढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह से वर्णों को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। इस तरह से वर्णों को क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई और आदि। अब जैसे दिया है सीता गाती है, तो देखिए बच्चों, सीता गाती है सा स धन ई धन त धन आ, तो हो गया जैसे सीता, सा धन ई सी त धन आ ता सीता। अब ग धन आ धन त धन ई गाती ह धन ए है। इस तरह से ये हमने इसको वर्णों में तोड़ दिया है, सीता गाती है। इसी तरह से कान्हा पड़ता है क धन अ धन न धन ह और धन आ, तो का में का धन आ का, फिर न फिर हा धन आ ह कान हा काना, फिर प धन छोटा ह प ड़ा धन छोटा ड़ त धन त धन बड़ा आ ता, आ की मात्रा लगेगी तो बच्चों बड़ा आ जाएगा। इसी तरह से हा धन ए है, काना पड़ता है। दूसरा है मीनल सो रही है, म धन बड़ी ई मी धन न धन अ न धन ल मीनल धन आ मीनल, फिर धन स धन ओ सो र धन आ र हा धन ई बड़ी ही हा धन ए है मीनल सो रही है। तो ये हमने इसको वर्णों में तोड़ तोड़ कर लिखा है। दिए गए वाक्य कई शब्दों से तथा शब्द कई ध्वनियों के मेल से बनते हैं। जो दिए गए वाक्य हैं कई शब्दों के मेल से और कई ध्वनियों के मेल से जो है वो बनते हैं। अब दिया है वर्णमाला। भाषा के वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो भाषा होती है उसमें जो हम वर्ण जो अक्षर इस्तेमाल करते हैं उनके समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासों में। स्वर और व्यंजन, फिर मुक्त संयुक्त व्यंजन और अयोगा। तो स्वर में क्या आएगा? छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ए ऐ ओ और औ। यहाँ तक जो हम लिखते हैं ये हमारी हो जाती है स्वर। अभी व्यंजन होगा क ख ग घा च छ झ झण त थ ध धण ठ ठ ड ढण ध न ध न प प ब म म य र ल व श श स ह। ये हो गई हमारा व्यंजन। जो हम का से हा तक लिखते हैं ये हमारा व्यंजन कहलाता है। इसके बाद है बच्चों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में छत्र ज्ञा और श्र छत्र ज्ञा और श्र ये हो गया संयुक्त व्यंजन। अयोग वहाँ, अयोग वहाँ कहाँ है? अंग आ आ और अंग की बिंदी अंग आ और चंद्र बिंदु आ और आहा, ये हो गए हमारे अयोग वहाँ। ये वर्णमाला हो गई। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को तीन भागों में बांटा गया है। जो वर्णमाला है उसके वर्णमाला को जो है तीन भागों में बांटा गया, वर्णों के प्रकार, तो काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स। तो वर्णों को कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा अयोगवाह। तो ये तीन भाग हमारे
हो गए हैं। अब इन तीन भागों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्वर, जिन वर्णों या ध्वनियों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाए, अर्थात जो बिना किसी की मदद से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, वे स्वर कहलाते हैं। बिना किसी की मदद से वो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर क्या है? आ आ ई ई उ रि ऋ ए ऐ ओ औ। ये हमारे पूरे हो गए बच्चों स्वर। स्वरों के भेद, स्वरों के अब भेद इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्वरों के भेद के बारे में। तो देखिए, स्वरों के भेद में पहला दिया ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम ह्रस्व स्वर। जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जिस स्वर के उच्चारण में जो है बच्चों कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि, ये पांचों स्वर ह्रस्व हैं। इस तरह से आप आ जाएंगे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता उन्हें दीर्घ, जो कम समय लगता उन्हें ह्रस्व, और जिनको उच्चारण में अधिक समय लगता उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ऐ ओ और औ दीर्घ स्वर हैं। अब आ गया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिनमें तिगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों का प्रयोग बुलाने के लिए किया जाता है। इन स्वरों का जो प्रयोग है वो काय के लिए किया जाता है? बुलाने के लिए किया जाता है। तथा लिखते समय उस स्वर के आगे मतलब एस प्रकार का, इस तरह का चिन्ह जो है बच्चों, वो इस तरह का जो चिन्ह होता है वो लगा दिया जाता है। तो जैसे हे राम, हो ओम, इस तरह से ये चिन्ह लगा दिए। अब आएंगे हम लोग व्यंजन। व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। वे वर्ण जो कि आ स्वर की सहायता से बिना बोले जाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। और छोटा आ स्वर की सहायता के बिना बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को बोलते समय मुख के अंदर से वायु रुकावट से बाहर आती है। व्यंजनों को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख में से जो वायु की अंदर की वायु रुकावट है के साथ बाहर आती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन इस प्रकार हैं। क ख ग घ ण च छ ज झ ण ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह छ त्र ज्ञ श्र ण ण अन्य। तो ये हो गए हमारे व्यंजन। अब क्या दिया है आगे? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है बच्चों वो 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वो 33 होती है। अब आगे दिया है बच्चों व्यंजन के भेद, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे। हाँ, व्यंजन के तीन भेद हैं। व्यंजन के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। अब व्यंजनों के भेद तीन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये तीन भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते हुए जीभ व कंठ, मूर्धा, दांत और ओष्ठ से स्पर्श होता है, वो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय कभी जीभ, कंठ मीन्स गला, मूर्धा, दांत और ओष्ठ, ओंठ से स्पर्श होता है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कि इनकी कुल संख्या 25 है। व्यंजनों की, स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। इन्हें पांच भागों में बांटा गया है। का वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। अब है अंतस्थ व्यंजन। दूसरा दिया है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन है जिनका उच्चारण स्वर व व्यंजन दोनों के बीच का सा होता है। इनकी संख्या 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या जो बच्चों कितनी है? 4 है। जैसे पहला दिया है या, दूसरा र, तीसरा ला और चौथा व। अंतस्थ व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त जीभ मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। अंतस्थ व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जीभ जो है वो मुख के किसी भी भाग को है स्पर्श नहीं करती। या रा ला वा। तो ऊष्म व्यंजन तीसरा दिया है। ऊष्म व्यंजन
जिन व्यंजनों का उच्चारण करते वक्त गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जो गर्म वायु जो बाहर निकलती है उच्चारण करते वक्त तो वो कौन सी वो कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी चार है, श श स ह, इनकी संख्या भी कितनी है, चार है। श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के दो भेद होते हैं। अब श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। पहला दिया है अल्प प्राण व्यंजन और दूसरा महाप्राण व्यंजन। तो पहला दिया है अल्प प्राण व्यंजन, इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम होती है। जो ये व्यंजन है अल्प प्राण व्यंजन, इनके जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं उनको बोलते हैं तो जो श्वास की मात्रा है वो कम होती है, इन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन है वो अल्प प्राण होता है, महाप्राण व्यंजन। दूसरा है महाप्राण, इन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की मात्रा अधिक होती है। इन व्यंजनों के उच्चारण में जो है बच्चों श्वास की मात्रा, जो सांस लेने की मात्रा है वो अधिक होती है, इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा व्यंजन महाप्राण व्यंजन होता है। प्रत्येक वर्ग का जो प्रत्येक वर्ग होते हैं उसका जो दूसरा और चौथा व्यंजन होता है वो महाप्राण व्यंजन होता है। अब दिया है बच्चों संयुक्त व्यंजन। अब हम संयुक्त व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। जब एक से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिल जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जब एक से अधिक स्वर रहित व्यंजन, जब स्वर रहित व्यंजन जो होते हैं एक से अधिक अगर वो आपस में मिल जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, इन्हें संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। जैसे क धन श धन अ बराबर छ, इसी तरह से त धन र धन अ बराबर त्र, जा धन अणा वा धन अ बराबर ज्ञा, शा धन र धन अ बराबर श्रा। तो ये इस तरह से हम ये शब्द बनते हैं। अब है द्वित्व व्यंजन। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जब किसी शब्द में एक ही व्यंजन दो बार मिलता है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क क क धन का बराबर पक्का, च च च धन च बच्चा, ये है हमारे बच्चों द्वित्व व्यंजन। अब दिया है आगे रा का संयुक्त प्रयोग। रा का संयुक्त प्रयोग, रा चार रूपों में संयुक्त होता है। रा जो है वो चार रूपों में संयुक्त होता है। रा का प्रयोग व्यंजन के ऊपर होता है। पहला दिया है रा का प्रयोग जो है वो व्यंजन के ऊपर होता है। दूसरा दिया है व्यंजन धन रा धन स्वर का प्रयोग होता है। दूसरे में व्यंजन धन रा और धन स्वर का भी प्रयोग होता है। तो व्यंजन आगे के भाग पर रा का प्रयोग होता है, जैसे क्रम प्रेम आदि। इस तरह से जो हमारा का के नीचे ये रा आ रहा है, प्रा प्रा में जो नीचे एक डंडा है, पा में नीचे ऐसे बना दिया तो प्रा हो गया, उसको बोलते हैं हम रा। अब है टा वर्ग के साथ रा का प्रयोग। जैसे टा में नीचे हमने ऐसे से दो और एरो बनाए, ट्रक ड्रम ट्रेन, ये हो गया टा वर्ग के साथ। इसी तरह से दिया अर्ध व्यंजन के साथ शब्द के आखिर में रा का प्रयोग। अर्ध व्यंजन के साथ शब्द के आखिरी में जो रा का प्रयोग, जैसे चंद्र द्रा में रा बना, महेंद्र द्रा में रा बना, ये हमारा हो गया रा का संयुक्त प्रयोग। अब आगे देखिए बच्चों, दिया है अयोगवाह। क्या दिया है आगे, अयोगवाह। अयोगवाह में पढ़ेंगे हम स्वर व व्यंजनों के अतिरिक्त, स्वर और जो व्यंजन होते हैं उनके अतिरिक्त जो वर्ण होते हैं, इन दोनों के अतिरिक्त जो भी वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जैसे स्वर हो गए अ तक, व्यंजन हो गए ह तक, तो जो वर्ण बचे उसमें जैसे अंग की बिंदी आ, फिर आ में चंद्रबिंदु, फिर आहा, ये अयोगवाह है। इन्हें क्रमशः अनुस्वार अनुनासिक व विसर्ग कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, अनुस्वार अनुनासिक व विसर्ग कहा जाता है।
अब दिया है पहला अनुसार। अनुसार बोलते हैं बच्चों जैसे आ और ऊपर की बिंदी, अंगूर में आ में हम बिंदी लगाते हैं ऊपर, इसे अनुसार बोलते हैं। तो क्या है अनुसार? इसकी ध्वनि नासिका से आती है, इसकी जो ध्वनि है जो आवाज़ है अनुसार की वो नासिका से आती है। इसका लिपि चिन्ह देखिए बच्चों, वही चंद्र बिंदु इस तरह का है ना, यह वर्ण के ऊपर बिंदु रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो है अनुसार जो वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में जो है वो प्रयोग किया जाता है। यह वर्णमाला के पांचों वर्गों का अंतिम वर्ण है, अर्थात पंचम वर्ण होता है। अंतिम वर्ण है अर्थात पंचम वर्ण होता है, जैसे अंक, रंग, पतंग आदि। अभी हमारा दूसरा है अनुनासिक। इसकी ध्वनि नासिका व मुख दोनों से ही बाहर आती है, इसकी जो ध्वनि है वो नासिका और मुख दोनों से बाहर आती है। इसका जो लिपि चिन्ह है बच्चों वो इस तरह का है, चंद्र बिंदु वाला, जैसे कांच, पांच आदि। इस तरह से जो चिन्ह ऊपर लगता है वर्ण के ऊपर उसको हम अनुनासिक कहते हैं। अभी तीसरा बच्चों है विसर्ग। विसर्ग का लिपि चिन्ह ये होता है, दो डॉट जो वर्ण के आखिरी में हम लगाते हैं। ये विसर्ग की ध्वनि वर्ण के अंत में ह के समान होती है, जैसे अंतः, प्रायः, पुनः। ह सुनाई देगा लेकिन दो डॉट ऐसे लास्ट में दो डॉट हम लोग लगा देते हैं, इसको कहते हैं बच्चों हम विसर्ग। तो इस तरह से आपका यह चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 2 हिंदी लैंग्वेज का वर्ण विचार। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन, सॉरी बच्चों, इसकी एक्सरसाइज आपको भेजी जाएगी।